स्वागत है आप सबका रॉयल आइस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपके लिए लाया गया है द हिंदू का न्यूज आर्टिकल, जो आपके यूपीएससी और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्टेट पीसीएस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज का पहला न्यूज आर्टिकल तंजानिया के नोवेलिस्ट को मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज, इससे रिलेटेड है। ये नोबेल प्राइज उनको दिया गया है, उन्होंने कॉलोनियलिज्म के असली चेहरे को सामने लाया है, बिना कंप्रोमाइज किए हुए, बिना किसी के प्रेशर में आए हुए। प्रोवाइडेड यूके बहुत ही पावरफुल कंट्री है, वो हर एक वो पॉलिसी अपनाएगा जिससे उसकी पिछले काली करतूतों पे पर्दा डाला जा सके, जो उसने वर्ल्ड के साथ किया, जैसे कॉलोनियलिज्म दिया सबको, स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट किया, इन सब के अगेंस्ट। ओवरऑल आप कॉलोनियलिज्म याद रखें, इसके अगेंस्ट लिखने के लिए तंजानिया के नोवेलिस्ट अब्दुल रज्जाक गुरनाह को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर का। तीन चीज इंपॉर्टेंट है, तंजानिया से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने कॉलोनियलिज्म के असली चेहरे को, रिफ्यूजी जो देन है कॉलोनियलिज्म का, इन सब चीजों को लाइट में लाने के लिए, तीसरा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है, बंगाल स्पीकर सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं हाई कोर्ट के अगेंस्ट। कोई एक लीडर था, एमएलए था बीजेपी का, वेस्ट बंगाल का, पहले वो बीजेपी से जीतता है, जब बीजेपी वेस्ट बंगाल में पावर में नहीं आती है तो वो जो पार्टी वहां पावर में आता है उसमें वापस शामिल हो जाता है। बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो स्पीकर हैं विधानसभा के, वो उस लीडर को डिसक्वालीफाई अप्रूवल देते हैं कि ये आदमी एमएलए नहीं है। ऐसा एक्चुअली स्पीकर को पावर है, आर्टिकल 178 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 178 एक स्पीकर का प्रोविजन करता है, ये कहता है कि जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अपने में से एक मेंबर का सेलेक्ट करेंगे और वो मेंबर स्पीकर के नाम से जाना जाएगा। स्पीकर को एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ नाम है इसका, अब तक एक बार ये फिर से अमेंड हो चुका है। ये लाया गया था ओरिजिनली 1985 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 2003 में इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अगर किसी पार्टी का 2/3 यानी 2/3 मेंबर, अगर किसी पार्टी का 2/3 मेंबर उस पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी बना लेता है या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या राज्यसभा के एमपी हो। लेकिन अगर 2/3 से कम होता है तो वो डिसक्वालिफाइड माने जाएंगे, और ये पावर लोकसभा में स्पीकर के पास है डिसक्वालिफाई करने का, और विधानसभा में भी स्पीकर के पास है। हालांकि इन पावर्स को, इन डिसक्वालिफिकेशन को चैलेंज किया जा सकता है, और वही यहां पे हुआ है। विधानसभा स्पीकर ने आर्टिकल 178 का यूज करके उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम एमएलए नहीं हो। एमएलए जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट स्पीकर के ऑर्डर को निरस्त कर देती है कि नहीं एमएलए है, अब स्पीकर साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। ओवरऑल एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, जो 1985 में लाया गया था, 1985 में लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से। एंटी डिफेक्शन लॉ 2003 में फिर से अमेंड किया गया है, और उसमें यह प्रोविजन है कि अगर किसी पार्टी का 2/3 मेंबर पार्टी छोड़ करके यानी डिफेक्ट करके चला जाता है, तो उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। डिस्क्वालीफाई करने के तीन बहाने होते हैं किसी पार्टी के पास, या तो वो मेंबर पार्टी छोड़कर चला जाए, या वो मेंबर पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोटिंग करे, या पार्टी मेंबर को बुलाया जाए विधानसभा या लोकसभा में
किसी मुद्दे पर बात करने के लिए या अपना नंबर दिखाने के लिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, और वो मेंबर ना आए, तो इन तीनों बिहाफ पे उस मेंबर को डिस्क्वालिफाई किया जाता है एंटी डिफेक्शन लगाकर। स्पीकर से रिलेटेड इसे हटाने से, स्पीकर को हटाने से रिलेटेड प्रोविजन ये है कि इनको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, एमएलए को या विधानसभा ओवरऑल को, इनको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा एडवांस में कि हम आपको हटाना चाहते हैं, आप अपनी दलीलें पेश करें, आप जो भी कहना चाहते हैं सफाई में आप कहें। इनको एक डेट दिया जाता है, लेकिन उस डेट से पहले 14 दिन इनको मौका दिया जाता है। तो ये था स्पीकर और एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया है इनकम लिमिट जो रखा गया है ईडब्ल्यूएस कोटा का, आपको याद होगा 103 नंबर अमेंडमेंट नंबर 103 से एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया गया था और 10% का रिजर्वेशन दिया गया है ओवरऑल रिजर्वेशन में। लिमिट रखा गया है, आप अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आना चाहते हैं तो आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समझाइए ये 8 लाख कैसे है, क्या क्या है इस 8 लाख में शामिल। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 103 नंबर अमेंडमेंट से ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया, 10% उनको दिया जाता है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में आने वाले को, और 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया है। एक अच्छा सा जगह दिख रहा है, पैलेस है, एक्चुअली ये नाम है इसका अंबा पैलेस। अंबा का मतलब होता है हिंदुइज्म में दुर्गा, मदर गॉडेस। दशहरा फेस्टिवल जिसे साउथ में दशहरा बोलते हैं शुरू हो चुका है कल से इनफैक्ट। और मैसूरू, जो जनरली टीपू सुल्तान याद आता है मैसूरू से, एंग्लो मैसूर वार याद आते हैं और आने भी चाहिए, आप अगर यूपीएससी स्टेट पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं किसी भी लेवल पे, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में इंटरव्यू मेंस या प्री ही करने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है मैसूरू और टीपू सुल्तान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब कभी मैसूरू का नाम आए, मैसूरू का जीआई टैग, क्या क्या वहां का मटेरियल है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, मैसूरू और किस लिए टीपू सुल्तान का कैपिटल के साथ साथ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, कौन सी रिवर जा रही है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वहां पे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, हाल ही में ये क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये चीजें आपको याद आनी चाहिए, ना कि केवल आपने बिल्डिंग दिख लिया कि हाँ बहुत सुंदर है चलो ठीक है। आगे बात करेंगे हम अपने लिए न्यूज आर्टिकल की। कोई मोटिवेटेड पॉलिटिकली आर्टिकल को बिल्कुल नहीं टच करेंगे। एक टर्म यूज हुआ है गोल्डन टेंपल रेप्लिका न्यूज में आया है। गोल्डन टेंपल 1589 में बनकर तैयार हुआ था, 1589 में। सिख के फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास, इन्होंने इस टेंपल का जो कहते हैं बेसिक इनॉग्रेशन बिल्ड करने का, वो 1577 में रखा था। गोल्डन टेंपल 1589 में बनकर तैयार हुआ। गोल्डन टेंपल सिख इसे हर मंदिर साहिब गोल्डन टेंपल को ही कहा जाता है। सिख के जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक, इनका बर्थ और डेथ दोनों पाकिस्तान में हुआ है। इनका जो बर्थ हुआ था वो नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, और गुरु नानक जो फर्स्ट गुरु हैं, इनका टाइमिंग रहा है 1469 से 1539 तक। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कबीर और बाबर दोनों के समकालीन थे, कंटेम्प्रोरी जिन्हें बोलते हैं। गुरु नानक 1469 एंड 1539, ये बाबर और कबीर दोनों के कंटेम्प्ररी रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इनके काफी बाद बनाया गया है गोल्डन टेंपल। इनका बर्थ हुआ था गुरु नानक का, नानक साहब, नानक जगह है एक
नानक कानाकर के पाकिस्तान में, और इनकी डेथ हुई थी करतारपुर कॉरिडोर, आपने सुना होगा काफी न्यूज में रहा है हाल के वर्षों में वहां पर। इनका जो आदि ग्रंथ है उसके बारे में आप जरूर डिटेल में पढ़ लें, किस लिपि में लिखा गया है, कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया गया है, उसमें से कौन सा आर्टिकल, उसमें जो गुरु बहादुर रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, गुरु तेग बहादुर की बात कर रहा हूं मैं, अर्जुन देव का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक आर्टिकल दिख रहा है, अनफॉर्चुनेट आर्टिकल है, आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट स्टॉक करता है दिल्ली स्कूल गर्ल्स को ऑनलाइन। स्टॉकिंग से रिलेटेड एक सेक्शन है 66E आईटी एक्ट 2015 का, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आईटी एक्ट 2015 का एक सेक्शन है 66E, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विजुअल इमेज पब्लिश करता है जो उसके प्राइवेसी का हनन करे, प्राइवेसी पर खतरा डाले, तो वो 66E के तहत कल्पित होगा, कन्विक्ट होगा, उसको सजा दी जाएगी। जनरली स्टॉकिंग आईपीसी सेक्शन 354D में वेल डिफाइंड है और वहां इसके लिए सजा का प्रावधान है। 345D आईपीसी जो कि 19th सेंचुरी का कानून है। बात आगे हम करेंगे अपने लिए आर्टिकल्स की। हाई कोर्ट क्लोजेज केस सीकिंग मॉनिटरिंग ऑफ एंटी कोविड स्टेप्स। कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये सारे वेव निकल लिए। अब हाई कोर्ट का कहना है कि जो स्टेप आपने लिए थे कोविड को मॉनिटर करने के लिए, एंटी कोविड को मॉनिटर करने के लिए, अब उसे बंद कर दिया जाए। बहुत बातें कर ली हमने कोविड कोविड, कोविड ने जितना बीमारी से नहीं मारा उतना इसके डर ने लोगों को मारा। इसका जो र्यूमर फैलाया गया हमेशा थर्ड वेव आने वाला है, फोर्थ वेव आने वाला है, इन सब चीजों से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत बातें नहीं करनी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने थर्सडे को ये फैसला सुनाया है कि इसको अब क्लोज करो। जब बात हाई कोर्ट की आती है तो आर्टिकल 214 हमें ऑटोमेटिकली याद आता है, चैप्टर 5 पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट का प्रोविजन करता है, वो ये भी कहता है कि एक से ज्यादा हाई कोर्ट हो, एक हाई कोर्ट के अंदर एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आ सकते हैं। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट को इनफोर्स करवा सके। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से रीट का फैसला देती है, रीट के थ्रू फैसला देती है आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। दिल्ली के कॉलोनी में यमुना रिवर को साफ करने के लिए एक ड्राइव चलाया गया है। यमुना से याद आता है यमुनोत्री, और यमुनोत्री से याद आता है चपसालर, जो चपलासार जो इसका ग्लेशियर है, जनरली हम यमुनोत्री के नाम से जानते हैं इसे, लेकिन ग्लेशियर का नाम चपसालर करके है, यमुनोत्री जहां से इसका ओरिजिन माना जाता है यमुना का। यमुना चंबल जिसका ट्रिब्यूटरी है, और सिंध जिसका, जो चंबल का ट्रिब्यूटरी है, सिंध की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिंध SIND की बात कर रहा हूं। सिंध एक रिवर है जो यमुना का ट्रिब्यूटरी इनडायरेक्टली है, क्योंकि ये एक्चुअली चंबल का ट्रिब्यूटरी है। ये रहा यमुना और ये रहा आपका चंबल। चंबल अपने रेवीन के लिए फेमस है, आप देख सकते हैं इसके शेप से ही क्लियर है ये। और ये रहा यमुना और ये रहा सिंध, SIND वाली सिंध की बात हो रही है। यमुना गंगा का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें। एक आर्टिकल आया है, लॉर्ड स्पीकर अलाउड फॉर रिलीजियस इवेंट टिल मिडनाइट। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि चूंकि नवरात्रा चल रहा है, लोगों के लिए खुशियां की बात है, तो वो लाउड स्पीकर, लाउड वाला स्पीकर जो नॉइस पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो 12 बजे रात तक चल सकता है, 16 अक्टूबर तक, जब तक नवरात्रा चलेगा। मेरा सवाल यह है कि लाउड स्पीकर ऐसा क्या करता है, या क्या स्टैंडर्ड है कि हम किसी भी नॉइस को फिर नॉइस पोल्यूशन का पार्ट मानेंगे। वो एक्चुअली किसी भी
नॉइस को पोल्यूशन का पार्ट तब माना जाता है जब वो 85 डेसीबेल से ज्यादा का नॉइस प्रोड्यूस करे। 85 डेसीबेल, डेसीबेल नॉइस पोल्यूशन को मेजर करने का एक यूनिट है, डेसीबेल डीबी। और अगर 85 डेसीबेल से ज्यादा का नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो नॉइस पोल्यूशन में आ जाएगा, साउंड पोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, एयर पोल्यूशन में ले जाओ उसे, ह्यूमन इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे ले जाओ आप उसे। जनरली एक एरोप्लेन जेट जब आपके सर के ऊपर से गुजरता है या जब वो लैंडिंग कर रहा होता है तो 125 से 130 डेसीबल का साउंड वो प्रोड्यूस करता है। जो हम सांस लेते हैं वो 10 से 5 डेसीबल के बीच में होता है, हम नॉर्मल जो बातें करते हैं वो 20 डेसीबल का होता है। इन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉइस पॉल्यूशन 85 डेसीबल से ऊपर वाले को माना जाता है, इसे हार्मफुल माना जाता है। एक आर्टिकल है लियोपॉर्ड स्किन सीज्ड और एक को गिरफ्तार किया गया है इसके लिए। क्या लियोपॉर्ड से रिलेटेड एक्ट इतना टफ है कि अगर उसका कोई स्किन बेचे, स्किन उसका पकड़ा जाए तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ जी, लियोपॉर्ड पर्टिकुलरली इंडिया में एक लियोपॉर्ड का स्पीसीज फेमस है, उसका नाम है स्नो लियोपॉर्ड, बहुत चर्चा में रहता है, यूपीएससी का फेमस टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। स्नो लियोपॉर्ड शेड्यूल 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के, और इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आप समझ सकते हैं शेड्यूल 1 में है। स्नो लियोपॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। इंडिया का पहला स्नो लियोपॉर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। आसाम अभिक्षण यानी 1985 का एक और 1974 का फर्स्ट CAA NCR, जिसके अंदर ये सारी चीजें की जा रही है, जो इलीगल ऑक्यूपेंट है उनको बाहर निकाला जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। केरला हाई कोर्ट ने केरला में चलने वाले एक लेबर प्रैक्टिस जिसका नाम है नोक्कू कुली, याद रखना बहुत आसान है कि ये किस टाइप का काम होगा। कुली का मतलब होता है सामान उठाने वाला, लेबर क्लास, कुली, यहां भी कुली लिखा हुआ है और लिटरल मीनिंग इसका यही है, वर्कर, नोक्कू कुली। केरला में जो वर्कर हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है, उस एसोसिएशन इलीगल मनी, इलीगल अवैध पैसे वसूल करते हैं। किससे? किसी भी ट्रेडर से, किसी भी कंपनी से। ये अभी चर्चा में इसलिए आया कि सितंबर में इसी महीने से, इसी साल सितंबर में, सितंबर 2021 में इसरो का एक ट्रक रोक लिया गया, इसरो का ट्रक, बहुत बड़ी बात है, केरला में, और उससे 10 लाख रुपए मांगे गए। किस बात के और किसने मांगे? ये ट्रेड यूनियन ने मांगे। जी हाँ, ये वही ट्रेड यूनियन है जो सबसे पहले 1921 में शुरू हुए थे, हालांकि उनके कोई भी अंश इसमें अब नहीं है। AITUC का नाम आपने सुना होगा, तो ये 1921 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको याद है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड यूनियन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, लेबर के लिए काम करता है, और बहुत ही अलग तरह का इंस्टीट्यूशन है, नो डाउट। बट इन सबके नाम पे केरला में जो प्रैक्टिस चल रहा है, जिसे नोक्कू कुली के नाम से जाना जाता है, हाईकोर्ट ने कहा है कि ये प्रैक्टिस बहुत पहले ही बैन हो चुकी है, तो ये जो अभी इन चीजों को कर रहे हैं उन्हें पकड़ के जेल में डालो। अब न्यूज कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे स्पीकर वहां पे शॉर्टकट में था, यहां अब डिटेल में है कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। केरला ने अलाउ किया है 25,000 पिलग्रिम्स को, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबरीमाला इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा सबरीमाला में फीमेल जो वर्शिपर होते हैं उनके एंट्री को लेकर के काफी बवाल मचा था, सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा था। सबरीमाला केस एक लैंडमार्क जजमेंट है महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के।
लॉर्ड अयप्पा को डिवोटेड है ये मंदिर, सबरीमाला टेम्पल जो कि केरला में है। एक न्यूज आर्टिकल दिख रहा है, HAL हॉल डिलीवर्स हैवीएस्ट प्रोपेलेंट टैंक। साइंस एंड टेक में बहुत कम चीजें हो रही हैं आजकल एक्सेप्ट वैक्सीन को लेकर के। ये एक टैंक है SC-120 LOX, और UPSC का आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये टैंक है तो नहीं पूछेगा। UPSC ने ऐसी ऐसी चीजें पूछ रखी हैं, और यकीन मानिए 2017 के पेपर में उसने टैंक ही पूछा था, वो भी नया टैंक था। 17 के पेपर में, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, टैंक के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ। ये अब तक का सबसे हैवीएस्ट टैंक है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। हॉल ने, जो स्टेट ऑन्ड कंपनी है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 1940 में बना था, इसने इसरो को ये टैंक प्रोवाइड करवाया है। सेमी क्रायोजेनिक टैंक है ये, रैमजेट क्रायोजेनिक इंजन। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। आप अगर साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड टेक में मेंस का आर्टिकल लिख रहे हैं तो। आंध्र प्रदेश एक नया प्रोग्राम लेकर आया है, अपस्चे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, उन बच्चों के लिए जो स्किलफुल नहीं है, उनके स्किल को अप करने के लिए। तो ये AP आंध्र प्रदेश के लिए है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी चीजें पूछेगा, जैसे हिम्स दिल्ली लेकर आया था अभी 3-4 दिन पहले, याद होगा आपको। तो वहां हिम्स में कहीं DL नहीं मेंशन है, तो आपको याद रखना है। लेकिन APSC HE में AP मेंशन है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्किल से रिलेटेड चीजें हैं वो आप याद रख सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें। एडिटोरियल में एक्सेप्ट पॉलिटिकल कमेंट के कुछ खास नहीं है, डाटा रिवॉल्यूशन की बात हो रही है इंडियन एग्रीकल्चर में, सलाह दिया जा रहा है कैसे क्या किया जाए, टाइम हो तो आप पढ़ लें, मेंस में काम आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को बचाया होगा, काउंटर क्वेश्चन किए गए होंगे, कुछ आइडियाज शेयर किए गए होंगे, मेंस के लिए आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। प्रीलिम्स के ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा कुछ दिया गया है एयर थिकिंग पॉल्यूटेंट्स का, जो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था एक का स्टैंडर्ड है जिसका नाम है एम्बिएंट एयर स्टैंडर्ड। इस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में AAQS में 12 गैस और पार्टिकुलेट मैटर्स को रखा गया है, मटेरियल्स भी उसमें इंक्लूड है, जैसे लेड गैस नहीं है फिर भी वो एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट माना जाते हैं, टोटल 12 हैं। AAQS जो स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि कितना किसका अमाउंट होगा तो एयर पॉल्यूट नहीं कहा जाएगा, वो डाटा, उस डाटा के बिहाफ पे यहाँ पे चीजें मेंशन है, कौन सा स्टेट कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है। टॉप पे तो UP ही दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेरी ने इसको डिफरेंट टेरी ने इसको 9976 AQI दिया हुआ है। वैसे गवर्नमेंट ने 2019 में एक प्रोग्राम लाया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 2019 का प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट का, और 2014 से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है, जिसके आधार पे इंडियन सिटीज को रैंक दी जाती है। वर्ल्ड लेवल पे भी पॉल्यूटेंट सिटी का रैंकिंग किया जाता है, और अभी नंबर 1 पे लाहौर है, नंबर 2 पे गाजियाबाद है, नंबर 3 पे दिल्ली है। तो ये 3 मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। IIT मद्रास ने स्टडी किया है, उसमें उसने फाइंड किया है कि कावेरी बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड हो गया, कोई नई बात नहीं है सुनकर के। कंटेमिनेशन किसी भी वाटर बॉडी का बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक फैक्ट्री सेटअप उसके आसपास का, उसमें कहां कहां से ट्रिब्यूटरी जा रहे हैं, कौन कौन से इलाके से होकर के आ रहे हैं। अभी का जो अपना कंसर्न है इस आर्टिकल से, वो ये है कि कावेरी जो साउथ इंडिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर है, गोदावरी और कृष्णा के बाद, कावेरी
कर्नाटका और तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। कावेरी जहां से ओरिजिनेट होता है उसका नाम है ब्रह्मागिरी हिल। ब्रह्मागिरी हिल इसे ताला कावेरी भी बोलते हैं। और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे काबिनी, ये है काबिनी, भवानी, स्वर्णावती, ये सब के सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। 805 किलोमीटर इसका लेंथ है और कावेरी केरला तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट के में शामिल है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंडियन फोर्सेस टू कैरी आउट एक्सरसाइज विथ यूके। आपको याद होगा इंडिया यूके के बीच में, एयरफोर्स के बीच में एक मिशन चलाया जाता है, नाम है उसका अजय वैरियर। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है इस पे और यहाँ भी मेंशन होगा, ये रहा अजय वैरियर, ये इंडिया और यूके के बीच में है। ये कमेंस किया गया था चौबाटिया, चौबाटिया उत्तराखंड में पड़ता है जगह एक। एक्चुअली ये अक्टूबर 20 को किया जाएगा, शुरू किया जाएगा चौबाटिया में। तो कई बार ऐसे भी पूछ देते हैं अजय वैरियर जो यूके इंडिया इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक मिलिट्री ट्रेन एक ट्रेनिंग या कंपन टाइप का है वो कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है ये चौबाटिया में होगा, उत्तराखंड में हुआ है। आगे अगर बात करें तो एससी ने मना कर दिया है कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के मामले में दखल नहीं देगी क्योंकि वो आरबीआई का मामला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डरावना सपना देखा है कि अभी सेकेंड वेव गया नहीं है, सावधान रहो। बाघेल इनॉग्रेट्स टेंपल पार्ट ऑफ स्पेशल टूरिज्म सेंटर। स्पेशल टूरिज्म सेंटर याद आया होगा आपको, अमरुत। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गॉड राम जहां जहां से छत्तीसगढ़ से पास किए थे उनके नाम पे वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक सर्किट बनाया है जिसका नाम है राम गबन पथ। ये यहां देखिए लिखा हुआ है राम बन गमन सर्किट, राम बन गमन गमन टूरिज्म सर्किट, जिसे हम राम बन गमन पथ भी कह सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ में है, इतना आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है यही बस। बाकी ये साइट्स यहाँ दिए हुए हैं, ये जितना एक एक करके याद रखने की जरूरत नहीं है, जब तक आप छत्तीसगढ़ पीसीएस में इंटरव्यू देने ना जा रहे हो वहां मेंस देने ना जा रहे हो। इंडिया और नेपाल जो कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा है गैस पाइपलाइन के एक्सटेंशन को लेकर के और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन को लेकर के, इन दोनों ने ज्वाइंट पेट्रोल शुरू किया है बॉर्डर पे। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो कुछ खास नहीं है आज के इंटरनेशनल न्यूज में। मॉस्को तालिबान को इनवाइट करेगा अफगानिस्तान टॉक पे। लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम नई पाकिस्तान का आईएसआई चीफ है। नाटो जो 1949 में बना था इसने 8 रशियन मेंबर को एक्सपेल किया है, रसिया उसका पार्ट नहीं है, रशियन मेंबर की बात हो रही है ना कि रसिया का। फ्रांस ने ताइवान को एक कंट्री माना है, ताइवान फॉर्मोसा स्टेट पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में है, चाइना अपने एयरक्राफ्ट वहां पे भेज रहा है, बाकी के कंट्रीज वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग डेथ हो गई है अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक से याद आता है प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछा जाएगा कि एपी सेंटर क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है हाइपो सेंटर जिसे आप फोकस कहते हैं, ये इनसाइड होता है,
हाइप सेंटर या फोकस इनसाइड होता है, कहते हैं ना फोकस करो, अंदर देखो, बिल्कुल अंदर तक देखो, फोकस हमेशा अंदर होता है। हाइप सेंटर, हाइप मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भड़क जाना, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल अंदर। एक होता है एपी सेंटर, एपी का मतलब बाहर, एपी सेंटर बाहर वाले पॉइंट को, जस्ट फोकस के ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं एपी सेंटर, और इनसाइड वालों को कहते हैं हाइप सेंटर। अर्थक्वेक के कौन से पार्ट में, कंट्री का कौन सा पार्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली स्टेट वाइज सबसे वल्नरेबल कौन है, जैसे गुजरात हो गया आपका, एएनडी हो गया, तो ये सब चीजें याद हो आपको। आज की न्यूज में एक इकोनॉमी का लास्ट आर्टिकल है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का फाइनेंशियल ग्रोथ 22 के लिए 8.3 प्रेडिक्ट किया है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक की बात है, पूछ सकता है डायरेक्टली, तो ये 8.3 आपको याद रहे। आज के लिए इतना ही मेन आर्टिकल है, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में कल। नमस्कार।